अवगुण पर एक गुण नाही, अमृत छाट बिख बिख खाई, माया मोह परम पै फूले, सुत दारा स्यों प्रीत लग। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सनात। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरना। सो कहो टल गुर सेवियाय, अहनिस सहज सोभाए, दर्शन परसिय गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, होए सिफत खसमदी, नूर यार सहो कुर सहो चटिया, तुद डिठे सचे पात सा, माल जन्म जन्म दी कटिया, सजन सचा पात साहो, सिर साहद साहो, जिस पास बैठिया सोहिया, सब नादावे साहो, सजन सचा पात साहो, सिर साहद साहो, जिस पास बैठिया सोहिया, सब नादावे साहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, राम करी महला पंजवा, विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान, अनेक रूप रंग भोग रस, गुरमुख नाम कोट जाप ताप विश्राम, रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान, अनेक रूप रंग भोग रस, गुरमुख नाम निमंख हृदय वस, हार के नाम की वडियाई, कीमत कहण ना जाई, रहा सूर
अजमत पूरा सहज समाद तोन गहर गंभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जाके परमात्मा दे नाम दी महत्ता दसी नहीं जा सकती। हरि नाम दा मुल पाया नहीं जा सकता। रहाओ हे भाई, गुरु दी राही जिस मनुख दे हिरदे विच अख दे फोर जितने समय वास्ते भी हरि नाम वसता है, वह मानो अनेकां रूपां रंगां अते मायक पदार्थां दा रस मानदा है। उस मनुख दी देवत्यां वाली सूझबूझ हो जाती है, उसकी बुद्धि उच्ची हो जाती है, वह रिद्धियां सिद्धियां का मालक हो जाता है। करोड़ां
जपा तपा का फल उसके अंदर आ वसदा है। हे भाई, जिस मनुख के हिरदे विच परमात्मा का नाम आ वसदा है, वह विकारां दे टाकरे ते सुरमा अते बहादुर पूरी अकल अते धीरज का मालक हो जाता है। वह सदा आत्मक अडोलता विच टिकया रहिंदा है। प्रभु विच उस दी डूंगी लगन बनी रहिंदी है। वह सदा विकारां तों आजाद रहिंदा है। उस दे सारे काम सफल हो जांदे हन। हे भाई, जिस मनुख दे मन विच हरी नाम आ वसदा है, वह किते भटकदा नहीं, किते डोलदा नहीं। माया दे प्रभाव तों वह पूरे तौर ते निर्लेप रहिंदा है। सबना विच एक परमात्मा दी जोत वेखदा है। उसनू सारे सुख आनंद प्राप्त हो जांदे हन। वह मानसिक रोगों तों बचिया रहिंदा है। हे भाई, गुरु दी शरण पै के दीना उत्ते दया करन वाले गोपाल गोविंद दा नाम जपना चाहिदा है। जिहड़ा मनुख जपदा है, उसका चिंता फिक्र दूर हो जाता है। हे भाई, मैनू नानक नू गुरु ने प्रभु का नाम बख्शिया है। संत जना दी टहल दी दात दित्ती है। हरी नाम का सिमरन ही गुरु का दस्या काम है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।